ठंडी का दिन आ रहा है, च्यवनप्राश बहुत सारे घरों में चालू हो गया है। लोग मुझे पूछते हैं, सर च्यवनप्राश हेल्दी है या नहीं? च्यवनप्राश में कोई अनहेल्दी वाली खास बात नहीं है, पर दो चीज़ अनहेल्दी है। एक, उसमें घी डाला जाता है, और वो घी तेल है, तेल घी है, ये समझ लीजिए जो भी दूध का जो ऑयल होता है उसको हम लोग घी बोलते हैं। जैसे भाई मूंगफली का तेल होता है, मूंगफली से बनता है, दूध से जो बनता है उसको घी बोलते हैं। तो मिल्क का ऑयल हम बोलते हैं, मिल्क ऑयल बोलते हैं घी को। तो घी जो है वो ट्राइग्लिसराइड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, ये दोनों हार्ट के लिए नुकसान करता है। इसलिए मैं अपने हार्ट के पेशेंट्स को च्यवनप्राश अलाउ नहीं करता। अदरवाइज च्यवनप्राश कोई भी देखेंगे उसमें 70% से 80% तो आंवला होता है, और आंवला ऐसे ही बहुत अच्छी, उसमें विटामिन सी होता है, वो अच्छी फ्रूट है। और इसमें ज़्यादातर चीनी भी डाला जाता है, कुछ लोग हनी भी डालते हैं, और बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं च्यवनप्राश के सब बढ़िया है। जैसे नीम है, पिपली है, ब्राह्मी है, कुछ लोग उसमें सेफ्रन भी डालते हैं, अश्वगंधा, तुलसी, इलायची और अर्जुन की छाल, इस तरह के जितने भी चीज़, चाहे वो डाबर का हो, चाहे झंडू का हो, चाहे केसरी जीवा च्यवनप्राश हो, कोई भी च्यवनप्राश हमें नुकसान नहीं देता है। सिर्फ एक चीज़ के लिए नुकसान देता है, वो घी के वजह से। तो मैंने कोशिश किया था एक बार कि एक काम करो भाई, हमें आप बिना घी के च्यवनप्राश बना के दो। तो एक कंपनी ने बनाना भी तैयार किया था, पर ये है कि हम फिर उस बिज़नेस में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैंने बोला भाई हम इसको प्रमोट कर सकते हैं पर मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। बट अगर आपको च्यवनप्राश बनाना है तो उसका विधि सीखिए, अपने घर पे च्यवनप्राश बनाइए अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो। और च्यवनप्राश में एक और प्रॉब्लम है, इसमें जो चीनी और हनी होता है वो डायबिटीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो जो डायबिटिक वाले हैं वो च्यवनप्राश अवॉइड करें, हार्ट वाले च्यवनप्राश अवॉइड करें। बाकी लोग के लिए च्यवनप्राश हेल्दी है, हर तरह से गुणकारी है, तो आप च्यवनप्राश खाइए। सिर्फ अगर आपको हार्ट की बीमारी है या हार्ट की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स है तो च्यवनप्राश अवॉइड करिए। तेल घी जब हम बंद करने बोल रहे हैं तो नेचुरली च्यवनप्राश का घी हम अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो उस बात को ध्यान रखें। अदरवाइज च्यवनप्राश में हेल्थ का ही सारा सामान है, बट घी हमें नहीं चाहिए, और एक दो चम्मच भी हो तो भी हमारे लिए घी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया बात लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।